हेलो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 4 का फॉर्म तो आप भर रहे हैं आप लोग, और बहुत जल्दी एग्ज़ाम का डेट भी आ जाए, तो इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या गेस्ट क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं चैनल पे अपलोड भी कर रहा हूँ, और इसके जो पेपर मैंने पढ़ाया है उसका तो आपको सारा जो क्वेश्चन है आंसर्स मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और जो नहीं है उसे मैं धीरे धीरे अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि अब एग्ज़ाम के पहले जो छूटा हुआ है, बचा हुआ है, वो भी अपलोड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आपके। देखिए, सेमेस्टर 4 में 3 पेपर है। कोर कोर्स 8 मैथमेटिकल फिजिक्स है, कोर कोर्स 9 मॉडर्न फिजिक्स है, और कोर कोर्स 10 आपका डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन है। और मैं तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से किस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले कोर कोर्स 8 पे आते हैं, जो मैथमेटिकल फिजिक्स का है। मैथमेटिकल फिजिक्स 3rd कोर कोर्स 8, सेमेस्टर 4 है, ठीक है। ऑनर्स वाला कोर्स है, कोर कोर्स मतलब ऑनर्स कोर्स। अब देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में है जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम टाइप पर आते हैं, मतलब जिनमें प्रॉब्लम रहता है, सॉल्व करना रहता है, तो उसमें क्वेश्चन गेस करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए। हाँ, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि आपका कौन से टॉपिक से होगा, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आपको गेस क्वेश्चंस पूरा बताऊं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, मैं एक बात साफ कर दूं कि जितना आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, तब पूरी तैयारी रखिए अपनी। ऐसा नहीं कि मैं गेस क्वेश्चन बता रहा हूं तो इतना ही को आप पढ़ के जाएं। आपकी जितनी भी तैयारी, जितना भी आपने तैयार किया है, बिल्कुल तैयार रखिए, और इसे भी देख लीजिए एडिशनल, ठीक है। एडिशनल इसे देख के जाइए, और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम इतना तो करके जाइए। अगर आपकी तैयारी है, आपने और भी पढ़ रखा है, सिलेबस जो मैंने आपको पढ़ाया है, हमारे यहाँ तो सारा कोर्स, तीनों कोर्स कंप्लीट हो गया है, कोर्स में कुछ भी सिलेबस कंप्लीट तीनों का, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो गेस क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, उसको भी पढ़ के जाएं, और जो आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में अब हम आते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फूरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म, और तीनों से क्वेश्चन होंगे आपके। अब इसमें से बेसिक कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो किसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, और उसके बेस क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म से। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं फंक्शंस पे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Define Laplace transform, discuss its properties. तो देखिए, Define Laplace transform में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, क्या है, ये आपको हो जाएगा। Discuss properties में इसके 2-3 properties हैं, ठीक है। मैंने property specific नाम नहीं दे रखा है, सिलेबस में देखेंगे 3 properties हैं। कई बार वो property specific आ जाता है कि हाँ, ये properties पे ही क्वेश्चन है, ये properties Define Laplace transform, और properties जो तीनों हैं वो तीनों में से कोई 2 दे देगा या 3 दे देगा, हो जाएगा। तो जब मैंने प्रॉपर्टीज लिख दिया था, आपको 3 प्रॉपर्टीज देख लेना, हो सकता है उसमें 2 आए, 1 आए, ठीक है। और उसके बाद कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इन एलिमेंट्री फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है, एक्स एक्स का पावर एक्स पावर एन हो गया, या आपका टी के टर्म में कर लेते हैं टी के पावर एन हो गया, या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, या लॉगरिथमिक फंक्शंस है, और कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म्स आपको देखने हैं। तो जो आप जब इस कोर्स को पढ़ते हैं तो आपको सारा बताया जाता है कि एलिमेंट्री फंक्शन इस तरह प्लस आना चाहिए, वो बेसिक कहेंगे, बहुत टफ वाला नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज और कुछ बेसिक फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इतना तो आप कर लेंगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चंस पकड़ा जाएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म में और बहुत कुछ है बट हम आगे देखेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको इतना, कम से कम इतना तो कर ही लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है फूरियर ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। तो सेम बात है फूरियर ट्रांसफॉर्म में, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। और फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी कुछ फंक्शंस हैं जिसका कि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, गॉसियन फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, फाइनाइट वेव ट्रेंस हैं, तो ये आपके बेसिक फंक्शंस हैं, उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको आना चाहिए। किसी एक का भी उठा के पूछ देगा, वो ऐसा नहीं पूछेगा ऐसे जो मैंने लिखा है कि मान लीजिए उस फाइनाइट वेव ट्रेन का वो उसका इक्वेशन दे दिया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट वेव ट्रेन का है, गॉसियन फंक्शन का इक्वेशन दे देगा, हाँ ये फंक्शन है इसका फूरियर, वो फंक्शन दे देगा कि फंक्शन है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, ये नाम से भी लिख सकता है और ऐसे फंक्शन देके भी लिख सकता है। तो अगर आपको फंक्शन पता है, नाम पता है, तो कुछ भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो लैपलास और फूरियर के से किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे। इसमें के अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं बट कम से कम इतना तो आपको फिलहाल कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद आप आ जाइए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो अल्टरनेट थ्योरम्स आते ही आते हैं, चार पांच थ्योरम्स हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन ऐसे सेट किया है कि स्टेट एंड प्रूफ एन ए टू, इसमें कोई दो आएगा, बट आप इन सब को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें से कोई दो आ जाए, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची थ्योरम, कॉची रीमान कंडीशन फॉर फंक्शन बीइंग एनालिटिक, ये तीन चार चार थ्योरम्स हैं, इन सब को आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो देख रहे तो बेहतर हो। इसमें से एक दो आएगा ही आएगा, ठीक है, चांसेस है कि इसमें से चार है तो चार में से दो तो आना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी फ्रेम करें बट ये कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें आपको प्रॉब्लम, इसके साथ एक प्रॉब्लम अटैच भी आ सकता है। कई बार आपको एक थ्योरम देगा उसके साथ एक प्रॉब्लम दे देगा ए बी पार्ट करके, कई बार सिर्फ थ्योरम का फुल क्वेश्चन बनाएगा, तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन फ्रेम करता है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ में आ जाइए टेलर्स और लॉरेंस सीरीज। इससे क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। पिछले साल इसका क्वेश्चन नहीं था 17-21 में, 17-20 वाले सेशन में, तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। एक्सप्लेन लॉरेंस ट्रेलर्स, लॉरेंस एक अलग अलग, कई बार लॉरेंस का एक लॉरेंस थ्योरम है वो अलग क्वेश्चन हो सकता है, टेलर्स का अलग हो सकता है। मैंने दोनों लिखा है इसलिए कि आप दोनों कर लें, दो में से कोई एक तो हो सकता है आ जाए अगर टेलर्स है। और ध्यान रखना है जब आप थ्योरम कर रहे हैं तो इसका एक प्रॉब्लम, दो चार प्रॉब्लम जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि थ्योरम के साथ प्रॉब्लम आता है, कई बार सिर्फ प्रॉब्लम ही उस पर बेस्ड आ सकता है। सो उस बात का ध्यान रखना, मैंने जब लिखा है कि टर्म लॉरेंस एंड टेलर्स थ्योरम, तो थ्योरम का डेरिवेशन वगैरह तो करना ही है, प्लस उस पर बेस्ड उसका एप्लीकेशन, उसके पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करने हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में यही तो ब्यूटी है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम्स होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर रखे हैं तो फिर कोई आपको मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता है। तो ये मैंने चार क्वेश्चंस रखे हैं, पर चार क्वेश्चंस में मैंने कोशिश किया कि कंप्लीट सिलेबस आपका जो रिक्वायर्ड है वो आ जाए। इतना कम से कम अगर आप करके जाते हैं तो मतलब बहुत ख़राब भी होगा, अगर आपने जैसा मैंने कहा वैसा करके जाओगे तो मतलब 60-70% तो कम से कम हो जाएंगे, अगर अच्छा रहा तो ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने ऐसा लिखा है कि लैपलास करना है, लैपलास से क्वेश्चन होगा ही, ट्रांसफोरियर करना है उससे क्वेश्चन होगा ही, और थ्योरम्स कंप्लेक्स एनालिसिस उससे क्वेश्चन होगा ही, टेलर से लॉरेंस से होगा, मतलब क्वेश्चन सबसे होगा। लेकिन जब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसको हुबहू आप मतलब कम्प्लीटली आपको करके जाना है, समझ के जाना है, उससे प्रॉब्लम बेस करके जाना है, फिर आपके 100% मार्क्स आएंगे। ये आ गए, इसलिए मैंने चार क्वेश्चन ही रखा है। और अब शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, जहाँ तक क्वेश्चन नोट करने की बात है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और फिर लिख लीजिएगा। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपका फोरियर और लैपलास में रिलेशन वो पिछले साल आया भी है, फिर भी मैंने इसे लिख दिया है, क्योंकि आप इसके रिलेशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप फोरियर के बारे में जानेंगे, लैपलास के बारे में रिविजन होगा, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फूरियर एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म्स, इसको किसी और तरीके से भी पूछ सकता है, प्रॉब्लम के टर्म में पूछ सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम्स, इसका फुल क्वेश्चन लास्ट ईयर आया, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इससे या तो ये क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा नोट्स टाइप पे आएगा, या तो फिर इस पर कोई प्रॉब्लम रहेगा डी मॉर्गन्स थ्योरम पे। ये फुल क्वेश्चन आया है पिछले साल, तो इस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम या शॉर्ट क्वेश्चन रह सकता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट पे, क्यूब रूट पे भी फुल क्वेश्चन आया है पिछले साल, तो इस पर शॉर्ट नोट्स या क्वेश्चन या इसके रिलेटेड क्यूब रूट्स पे भी एक फंक्शन दे देगा, उसका क्यूब रूट निकालना होगा, तो वो एक क्वेश्चन हो सकता है। एनालिटिसिटी क्या है, एनालिटिक फंक्शन क्या है, इसको आप जान लीजिए जब भी कॉची रीमान इंटीग्रल एनालिटिक कॉची रीमान थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको एनालिटिसिटी क्या होता है वो आपको आ ही जाएगा, उसी में एनालिटिसिटी क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, सेम चीज़ है वो आपको उसी में आ जाएगा, तो वहाँ पढ़ेंगे तो इसका आंसर तो ऑलरेडी मिल जाना है। फिर जो रेसिड्यू थ्योरम आप करेंगे तो रेसिड्यू क्या होता है वो आप जान लीजिए, पोल क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होता है, टर्म्स हैं जो कि नोट्स टाइप में आ सकते हैं या कहीं क्वेश्चन आया उसके प्रॉब्लम दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स में वो कॉची इनइक्वालिटी डी मॉर्गन्स थ्योरम है, शॉर्ट में भी लिखा है, नोट्स में भी लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखा है, नोट में भी लिखा है, डी मॉर्गन्स थ्योरम्स करके जाना है, इसके एप्लीकेशन भी करके जाना है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, मैंने वहाँ कहा था कि कुछ फंक्शंस है लैपलास ट्रांसफॉर्म, उसको मैंने स्पेसिफिक यहाँ लिख दिया, यूनिट स्टेप फंक्शंस का आप लैपलास कर लेंगे, वहाँ आपको जो भी एलिमेंट्री फंक्शंस है सबका कर लेंगे, तो उसमें भी ये ऑलरेडी उसमें भी आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी आता है आपका, आपका इंटीग्रल दे दिया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल उसको निकालना है, ठीक है, तो वो भी आप दो चार प्रॉब्लम्स करके जाइएगा। उसके बाद जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है उससे दो चीज़ें निकलती है, एक दो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी लैपलास ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं, वही है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे सकता है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिखा है,
आप यहाँ सेकेंड ऑर्डर का भी मान के चलिए कि प्रॉब्लम कर लीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर का भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं, तो ये टेक्निक आपको और दूसरा प्रॉब्लम अगर आप करके जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा हमारा कोर कोर्स 8 का था, अब हम कोर कोर्स 9 पे मूव करते हैं। ये कोर कोर्स 9 है आपका, सब्जेक्ट पेपर है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये मतलब लंबा कोर्स है, मतलब काफ़ी सिलेबस इसका लंबा है, आप मैथमेटिकल फिजिक्स के कंपैरिजन में इसका सिलेबस काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने थोड़े क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा लिखे हैं, क्योंकि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक को कवर करना है। तो इसमें देखिए एक जो क्वेश्चन है लेज़र वाले पोर्शन से, वो पिछले बार रूबी लेज़र से आया हुआ है लास्ट ईयर, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हेलियम नियॉन लेज़र वो दे, अल्टरनेट करके एक रूबी लेज़र आया तो हेलियम नियॉन देगा, ऐसे ही देता है, तो मान के चलिए कि आप हेलियम नियॉन लेज़र का कंप्लीट डायग्राम वर्किंग जो भी उसका है, स्केच कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, हेलियम नियॉन लेज़र प्रॉपर्टी जो भी है सब कुछ उसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है लेज़र वाले पोर्शन में ही रहेगा, पॉपुलेशन इन्वर्शन, ये 3 लेवल लेज़र है, पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या होता है और 3 लेवल लेज़र स्कीम क्या होता है, ठीक है। आप इसको करेंगे, ये दोनों करेंगे हम दोनों करीब, मतलब आपको एक करेंगे दूसरा आ ही जाएगा, ठीक है, बट आप लोग दोनों अच्छे से करिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। पॉपुलेशन इन्वर्शन पे ध्यान देना, पॉपुलेशन इन्वर्शन आ सकता है, 3 लेवल लेज़र क्यों करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। और ये आपका जो रूबी हीलियम नियॉन लेज़र है वो 3 लेवल लेज़र ही है, ठीक है। तो ये लेज़र से 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप आ जाइए रेडियोएक्टिविटी से, तो रेडियोएक्टिविटी में मैंने सिंपल रखा है कि रेडियोएक्टिविटी क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिव डीके, गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अल्फा बीटा डीके, ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो है कि रेडियोएक्टिविटी से है। उसके बाद अब जो क्वांटम मैकेनिक्स वाले पोर्शन हैं उस पर आ जाइए, मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं इसको, तो ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको आप देख लीजिएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग मोमेंटम पोजिशन एनर्जी टाइम पेयर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, सो दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिसाइड विद इन द न्यूक्लियस। जब भी आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे उसके 2-4 एप्लीकेशन हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। फिर श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन पे आपके वन डायमेंशनल इनफाइनाइटली रिजिड बॉक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा, राइट श्रोडिंगर इक्वेशंस फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइटली रिजिड बॉक्स एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। वन डायमेंशनल इनफाइनाइटली रिजिड बॉक्स का प्रॉब्लम है, उसको आप कर लीजिएगा। 6th क्वेश्चन में है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, तो आपका है कि क्वेश्चन है डिस्क्राइब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा, अच्छा ये हो गया। उसके बाद से वेव पैकेट पे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेव पैकेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज वेलोसिटी ग्रूव वेलोसिटी, establish a relation between group velocity and phase velocity, group velocity phase velocity काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेव पैकेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो फुल क्वेश्चन से हो सकता है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, अलग से वेव पैकेट पे आ जाए, नोट्स टाइप भी हो सकता है, तो इसको आप करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर एक ब्लैक बॉडी पे करते हैं, तो ब्लैक बॉडी क्या है, प्लैंक्स ब्लैक बॉडी फॉर्मूला निकालने का डेरिवेशन ये कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो आपने किया है जितनी तैयारी आप पूरे सिलेबस सबको करवाया गया ज़रूर कीजिए, पर लास्ट मोमेंट पे अगर आपको देखना है इतना इसको भी आप एक बार देख लें कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो और अगर आपने कुछ नहीं किया तो कम से कम इतना तो करके जाना है, बट जो कुछ नहीं किए वो रिस्क में है, वो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ तो वो आ ही जाएंगे, प्रोबेबिलिटी वाली बात है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है कि बहुत कम मिले, तो आपकी तैयारी अपने लेवल पर होनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पर आप इस इन क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए आपके कोर कोर्स 9 का, अब इसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका क्या है, मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड
बाइंडिंग एनर्जी एंड मास इफेक्ट क्या होता है, थर्ड। हाफ लाइफ टाइम और मीन टाइम फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे सिर्फ टर्म का नाम ले रहा, बाकी क्वेश्चन जैसे भी फ्रेम करना हो वो जैसे भी करेगा, टर्म वही मतलब कॉन्सेप्ट वही रहना है, ठीक है। तो उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, ये इधर लिख नहीं रहा है। अब चलिए देखिए, एक मिनट इसे ऐसा करूँ कि देखिए आप जब पॉज करके इसको, हाँ ये सारा ठीक है, अब आपको देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, सेकंड क्वेश्चन हो गया व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव इट सिग्निफिकेंस, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज टनलिंग इन वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। टनलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी इन वन डायमेंशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी आपको सीखना है। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, कैसे करते हैं, आपसे इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको। अब आ जाइए शॉर्ट नोट्स पे, शॉर्ट नोट्स पे जो हम आएंगे तो देखिए इसमें श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर पार्टिकल, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस देख लीजिएगा, कॉम्पटेंट इफेक्ट, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिम्युलेटेड इमिशन, रूबी लेजर को मैंने नोट्स के टॉप में रखा है जो कि फुल क्वेश्चन आया है, तो रूबी लेजर जैसे कुछ लेटर चीज़ें आ सकता है, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज आइंस्टाइन ए एंड बी कोएफिशिएंट लेजर से है, ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्शन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन हो गए। देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे शॉर्ट नोट्स में दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स आएगा, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है किसी जगह से वो लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे दें या लॉन्ग क्वेश्चन वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। कहने का मतलब है जो मैंने टॉपिक आपको दिया है उसको ऐसे तैयार करिए कि क्वेश्चन चाहे शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में है, लॉन्ग क्वेश्चन में हो, नोट्स में हो, आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम पेपर नंबर कोर कोर्स टेन जो आपका है वो है डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें आपके तीन चैप्टर जो हैं वो जिसमें से समझना है और बनाना है, और बाकी जो चार चैप्टर हैं वो आपके कुछ रटने वाले चैप्टर्स हैं। तो आपको जो समझने वाला तीन चार चैप्टर है उसको तो आप समझ के पहले कर लीजिएगा, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, और जो रटने वाला है वो उससे थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन होगा, डेरिवेशन मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह वो आपके पास चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपका आईसी वाले सेक्शन से, आईसी 555 वाले से है, गिव द सर्किट ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। देखिए एक मोनोस्टेबल है एक एस्टेबल है, तो उसमें वो वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका पिछले साल वो एस्टेबल आया है, तो मोनोस्टेबल इस बार चांस है कि आएगा, इन दोनों में से अल्टरनेट आता है, एक बार एस्टेबल एक बार मोनोस्टेबल आता है, एस्टेबल आया है तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपका आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फुल आप इसको लिखेंगे, फुल क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सीआरओ से भी क्वेश्चन आता है, एक हो गया आईसी वाले से, दूसरा हो गया सीआरओ से। तो सीआरओ में क्या है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक सीआरओ एंड एक्सप्लेन ईच ब्लॉक, हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वोल्टेज एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसी वोल्टेज बाय बी मेजर्ड बाय सीआरओ। सीआरओ के बारे में कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से उसका एप्लीकेशन वाले में सिग्नल वोल्टेज निकालना, फेज डिफरेंस निकालना और ढेर सारी चीज निकालने का है, वो सब आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सबको बनेगा। सीआरओ का जब आप कंप्लीट पार्ट्स का करेंगे तो आपको मतलब कंप्लीट सीआरओ का एक चैप्टर ही है, तो सीआरओ में आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एक बार सीआरओ रिवाइज करेंगे तो उससे सीआरओ वाले जो भी क्वेश्चन आना है सब आपको पकड़ा जाएगा। तो बेसिक आप इतना तो कम से कम कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है लॉजिक गेट पे, व्हाट आर लॉजिक गेट्स, गिव द लॉजिक सिंबल्स ऑफ एंड ट्रूथ टेबल ऑफ और एंड नॉट गेट्स एंड और नॉट गेट्स आर रियलाइजेशन यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर। जो देखिए पहला पार्ट है इसमें जो लॉजिक गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स जितने तरीके से होते हैं जितने होते हैं सिंपल वाले और एंड नॉट, इनको और इनका डायोड और ट्रांजिस्टर को यूज़ करके इनका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रियलाइजेशन, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद नैंड और नॉर गेट है लॉजिक गेट में, इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक है कि आप नैंड से भी सारे गेट्स बना सकते हो, नॉर से भी सारे गेट बना सकते हो, इसमें आपको सिर्फ ये लॉजिक लिखना है कि इनसे सारा गेट आप ऑपरेट कर सकते हैं,
सिर्फ नैंड गेट से और सिर्फ नॉर गेट को यूज़ करके, और कैसे ऑपरेट करते हैं इनको नैंड या नॉर को यूज़ करके आप कैसे बनाएंगे वो भी आपको सर्किट उसका याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से नैंड नॉर दोनों नहीं आएगा, कोई एक आएगा। अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में लॉजिक लिखने आएगा तो सिर्फ ये लिख देगा कि क्यों कहते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आदर नैंड का आएगा और नॉर का आएगा, और दोनों का एक जैसा है। अगर आप एक आपने कर लिया है दूसरा भी आप कर ही लेंगे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कर लिया दूसरा, बस एक बार करके जरूर जाइएगा, कर लीजिएगा। एग्जाम में अपने यहाँ करने बैठिएगा तो दिक्कत होगी, दोनों कर लीजिएगा तो एग्जाम में भूलिएगा नहीं। उसके बाद एडर में आ जाइए, हाफ वाटर हाफ एडर एंड फुल एडर। सब्ट्रैक्टर पिछले बार आया है तो इस बार चांस है कि एडर आएगा, तो हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में आपको कंप्लीट मैंने बताया, अभी बताया तो खैर पूरा सिलेबस ही है। डी मॉर्गन थ्योरम से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो कई बार डी मॉर्गन थ्योरम को स्टेट करने का सिर्फ लिखने कहेगा प्रॉब्लम दे देगा, कई बार आपको डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूफ करना है प्रॉब्लम देगा, इसलिए मैंने स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम रखा है, उसके बाद ये प्रॉब्लम रखा। प्रॉब्लम्स आपका बदल सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने जो प्रॉब्लम लिखा है वही आएगा, इसलिए डी मॉर्गन थ्योरम जब भी करेंगे जो मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स बताया वो सब कीजिएगा, इसके अलावा भी अगर दो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि कोई प्रॉब्लम आएगा नॉन तो आप उसको सॉल्व कर सकें। सिक्स हो गया। सेवन्थ में है व्हाट इज के मैप। के मैप का मैंने डिटेल आपको बताया था, तो के मैप एंड हाउ इट इज़ यूज फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग के मैप। तो देखिए इसमें मैंने आपको चार वेरिएबल बताया, तीन का है तो पहले इसको चार वेरिएबल में ले जाइएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट का हर एक टर्म वो होता है मीन टर्म मैक्स टर्म, मीन टर्म आपका आएगा, ठीक है। और मीन टर्म को आप जब आप लिखेंगे फिर उसका आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सॉरी उसका आप के मैप बनाएंगे, पहले ट्रूथ टेबल बना लीजिएगा, या डायरेक्ट ट्रूथ टेबल नहीं बनाएंगे डायरेक्ट के मैप इससे यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। के मैप बना लेंगे और के मैप बना के फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने आपको सब कुछ बताया, 3 वेरिएबल्स से 4 वेरिएबल्स में कैसे जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड SOP या POS में कैसे जाते हैं, उसका ट्रूथ टेबल से के मैप कैसे बनाते हैं, फंक्शंस के मैप कैसे बनाते हैं, और के मैप को सिंप्लीफाई करने की क्या रूल थी सारा बताया है, तो आप उसको करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है एक जो नया चैप्टर, ये चैप्टर शायद पिछली बार ही जुड़ा है मल्टीप्लेक्सर का प्रॉब्ली, तो इसमें मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर आपको ये पिछले साल आया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लेक्सर ये पिछले बार मतलब 17-20 में आया है, तो इसलिए पहले तो मैंने लिख दिया था, बट हो सकता है रिपीट नहीं भी करें, रिपीट इसके चांस कम है, तो आप इसको देख लीजिएगा, बट इसमें उतना एम्फेसिस मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसके जगह पे उसी चैप्टर का डिकोडर है इनकोडर है, तो जो डिकोडर और इनकोडर है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ये अगर पिछले साल आया तो सकता है ये आए, ठीक है। और ये रिपीट कर सकता है बट रिपीट का चांसेस बहुत कम होता है, तो हम मान के चलेंगे कि आपका डिकोडर इनकोडर आता है, फिर भी आप इसे देख लीजिएगा और इसे तो कम से कम देख ही लीजिएगा, ये आया हुआ है तो सकता है ना भी आए, ठीक है। ये 9 क्वेश्चंस हो गए फुल क्वेश्चन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट तो जी इस बार का लॉजिक गेट जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी वाला पोर्शन है इस कोर्स का, उसमें अभी हम लॉजिक गेट्स का सब एन और नॉट का आपको क्वेश्चन कर चुके हैं कि वो आएगा, उसका डायोड और ट्रांजिस्टर लेके रियलाइज कैसे करते हैं। अब बच कौन सा गया नैंड एंड नॉर का भी हम कर चुके हैं कि नैंड एंड नॉर का यूनिवर्सल गेट है वो देख लीजिएगा। अब बच जाता है जॉर एंड एक्स नॉर, तो जॉर एक्स नॉर कई बार ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में, जॉर एंड नॉर के बारे में एक्सप्लेन करिए, ट्रूथ टेबल लिखिए, इसका सब कुछ बनाइए, सर्किट बनाइए जो भी है, तो आप इसको जोर एंड नॉर का भी आप देख लीजिएगा। और नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन से है कि कभी आता है कभी नहीं आता है, पिछले साल आया था तो हो सकता है कैसे इस बार नहीं भी आया, आया भी तो नंबर सिस्टम को पढ़ लीजिएगा कि कैसे किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पर जाते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं, मतलब इनमें आपस में इंटरकन्वर्शन आपको का वो याद होना चाहिए, अगर याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम बहुत आराम से बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में CRT, CRO में होता है जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है उसमें एक पार्ट उसका जो मेन हार्ट है वो CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब, कभी कभी उसके बारे में भी लिखना आता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि CRT क्या है, और CRT में एक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होता है, वो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी डिफाइन करने के लिए भी आता है, ठीक है। अच्छा फिर एक क्वेश्चन होता है एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, मेन टर्म मैक्स टर्म क्या होता है, फिर टूज कम्प्लीमेंट मेथड, आप सब्ट्रैक्शन के लिए टूज कम्प्लीमेंट मेथड कैसे यूज करते हो, उस पर एक प्रॉब्लम दे सकता है कि टूज यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट मेथड इसको आप सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। तो ये आपके बेसिक 6 क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन के,
और इसमें शॉर्ट वाला ऐसा नहीं कि लॉन्ग में या लॉन्ग वाला शॉर्ट में, आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबको ऐसा करना है, किसी सेक्शन में क्वेश्चन कन्वर्ट करें, उसको कार्ड शार्ट करें, ऐड करें, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपका सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब, बीसीडी टू सेवन सेगमेंट्स, 4 बिट बाइनरी एडर एंड सबट्रैक्टर, बुलियन अलजेब्रा, IC555, ट्रुथ टेबल, के मैप। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यही आपका सिलेबस है ऑलरेडी आपके पास। अब हो गया, मैंने आपको कोर कोर्स 8 का बताया, 9 का बताया, 10 का बताया, तीनों कोर कोर्स मतलब BSc सेमेस्टर 4 फिजिक्स ऑनर्स के ये क्वेश्चंस हैं। इतना कम से कम जरूर कर लें, इसके अलावा आपकी जो भी तैयारी है, जहाँ भी आपको जो अपने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़िए, बट इतना कम से कम इसको भी देख, जो पूरी तैयार है वो इसको भी देख लें, जो बिल्कुल तैयार नहीं है वो कम से कम इसको तो इतना तो देख ही लें, तीनों कोर्स का जो मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।